हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, बट आपको लगता है कि हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है कि हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके लिए फॉर्म प्रेस्क्राइब किया है कि 15G फॉर्म या 15H फॉर्म। तो 15G है और 15H फॉर्म होता है सीनियर सिटीजन के। तो ये आपका जहां पर भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वहां पर जाकर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। मान लो जैसे आपने कोई एफडी ले रखी है, उसके अलावा आपकी और कोई इनकम नहीं है और एफडी पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है बैंक, तो आप बैंक में क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15G डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, आपकी जॉब छूट चुकी है और आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, आपकी और कोई इनकम नहीं है, उस पर पीएफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है। तो उससे बचने के लिए भी आप फॉर्म 15G फाइल कर सकते हैं। और भी कहीं अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं डिडक्ट होना चाहिए, तो वहां पर आप फॉर्म 15G डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने और भी डाला हुआ है फॉर्म 15G 15H के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 15G को फिलअप कैसे करते हैं, क्या क्या डिटेल हमें फिल करनी होती है। सबसे पहले फॉर्म 15G आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे फॉर्म 15G, तो काफी जगह अब ये फॉर्म 15G डला हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उसको प्रिंट आउट करने के बाद आपके पास ये ऐसा फॉर्म की स्क्रीन ओपन होगी। तो सबसे पहले कॉलम होगा एक नंबर में नेम ऑफ एसएससी, आप जिसके लिए फाइल कर रहे हो आपको अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना, जैसे हमने एग्जांपल लिया है विजय सर। पैन ऑफ एसएससी, आपको अपना पैन नंबर डाल देना है, ये हमने मान लिया कि ये विजय शर्मा का पैन नंबर है। स्टेटस आपको इंडिविजुअल डालना है अपना, और किस ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं वो ईयर डाल देना, हमने माना है कि 21-22 के लिए फाइल कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका इंडिविजुअल, ठीक है जी, रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट। आपका अपना एड्रेस डाल देना है जी, इसमें ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, स्ट्रीट, एरिया, ठीक है जी, टाउन आपका क्या है, स्टेट क्या है, यहाँ पर पिन नंबर आपके एरिया का, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। और टेलीफोन नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर, अगर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हो आप। फिर 15 नंबर में वेदर एसेट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स है, अगर आपने पहले कभी टैक्स पे किया है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो फिल कर देना। और अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना है कि किस ईयर में आपने टैक्स पे किया है, डिपॉजिट किया है, ठीक है जी। अब हम पहुंच गए 16 नंबर, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, कि किस इनकम के लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं। अगर टीडीएस किस इनकम, अगर पीएफ के लिए दे रहे हैं तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर दोनों को उसमें हमें डाल देना है, पेंशन का नहीं डालना है, ओनली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर। और एफडी के लिए दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसका अमाउंट हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। और 17 में टोटल इनकम कितनी है हमारी, प्लस ये इनकम और बाकी और कोई इनकम है तो वो उसको टोटल करके यहाँ पर हमें लिख देना है। मान लो 21-22 में हमारी टोटल इनकम क्या है, 1 लाख प्लस 1.5 लाख और कहीं से इनकम होनी है हमें। मान लो 1 लाख हम पीएफ विड्रॉ करवा रहे हैं और 1.5 लाख रुपए हमारी और इनकम, तो हम लाख डाल देंगे यहाँ पर 2,50,000। इससे पहले कभी आपने फॉर्म 15G फाइल किया है 18 नंबर कॉलम में, नहीं किया है तो नो कर देंगे, नोट एप्लीकेबल। अगर किया है तो उसकी हमें डिटेल भी फाइल करनी पड़ेगी, कितने फॉर्म फाइल किए अभी तक आपने, उसमें कितना अमाउंट डिक्लेयर किया था, ये सारा इसमें हमें फिल कर दे। डिटेल ऑफ द इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज फाइल, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, अगर पीएफ में फाइल कर रहे हैं तो अपना यूएन नंबर और पीएफ नंबर होगा आपका, ठीक है जी। अगर एफडी कर रहे हैं तो एफडी का नंबर डालना है, उसके इंटरेस्ट से बचने के लिए बैंक में फाइल कर रहे हैं तो। नेचर ऑफ इनकम पीएफ विड्रॉवल के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर पीएफ विड्रॉवल डाल देंगे। सेक्शन कौन सा होता है, 192A पीएफ के लिए।
अमाउंट ऑफ इनकम जो हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर हमने फिलअप किया था यहाँ पर 16 नंबर कॉलम में, वो यहाँ पर हम डाल देंगे, जिसके लिए हम डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। यहाँ पर हमें अपने साइन कर देने हैं, उसके बाद हमें ये डिक्लेरेशन में यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है जी। बाकी ईयर एंड का कौन से ईयर के लिए फाइल किया हमने, 21-22 के लिए, तो मार्च 2022। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 22-23, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही फाइल कर देना है, मार्च 2022 और 2022-23 के लिए हम फाइल कर दें, प्लेस डाल देना है, और जिस डेट को आप फाइल कर रहे हो उस दिन की डेट डाल देनी है, बाकी अपने साइन कर देने हैं। और अब ये हमारा पार्ट वन क्लियर फिलअप हो चुका है। पार्ट सेकंड भी होता है इसका, आपको उसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना होता, ऐसे ही दे देना होता है। ये क्या करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में हम दे रहे हैं वो खुद फिलअप करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये फॉर्म सेंड कर देते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।